हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है दिस इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये जो एटॉमिक थ्योरी है इसके कुछ पोस्टुलेट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, और जो पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे हमने ये भी देखा था कि उसमें कुछ कुछ जगह पर कुछ कमियां थी, जिन कमियों को हमने जाना था उनके रीजंस के साथ में। तो फिलहाल हमको आज की क्लास में इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बचे हुए पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बचे हुए पोस्टुलेट्स, देखिएगा ध्यान से। हम इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फोर्थ पोस्टुलेट देखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाहते हैं ये। अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं और सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं। इज इट ओके? एलिमेंट यहाँ पर अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। भूले तो नहीं ना कि एलिमेंट्स किसे बोला जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, फॉस्फोरस, दे ऑल एंड मेनी मोर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल नाउ? 118 एलिमेंट्स आर नोन। कितने एलिमेंट्स को हम जान चुके हैं? 118 एलिमेंट्स को जान चुके हैं, है ना। तो देखिएगा जरा ध्यान से, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और सेम एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं और सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो, इन अ फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला टॉपिक है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। देखिए बात ऐसी है कि जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ये जो हाइड्रोजन का एटम है, दिस एटम ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये एटम हाइड्रोजन का अकेले नेचर में रह ही नहीं सकता। तो फिर ये नेचर में कैसे रहता है? ये नेचर में तब रहता है जब ये हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस का। इज इट ओके? तो देखा आपने कि हाइड्रोजन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में नहीं रहता। ये नेचर में कैसे रहता है? ये नेचर में हाइड्रोजन गैस की स्टेट में रहता है। इज इट ओके? दैट मींस टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन टू फॉर्म दिस हाइड्रोजन गैस, एंड व्हेन दिस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म इट इज कंपल्सरी दैट देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड देयरफॉर दिस हाइड्रोजन गैस, दिस H2 इज नोन एज मॉलिक्यूल। इसे क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल बोला जाता है। व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर देन यू कैन से अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। आ गई बात समझ में? सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं अनादर एटम, दिस इज नाइट्रोजन एटम। ये कौन सा एटम है? नाइट्रोजन। तो हमारी एयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका फॉर्मूला, उसका सिंबल N होता है क्या? नहीं। अगेन इन द सेम वे दिस एटम ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये नाइट्रोजन का एटम नेचर में नहीं रह सकता। तो फिर नेचर में क्या रहता है? नेचर में रहता है व्हेन दीज टू नाइट्रोजन एटम्स कंबाइंड टुगेदर देन इट विल चेंज इन टू नाइट्रोजन गैस। एंड अगेन एज वी कैन सी
two atoms of nitrogen has to be combined to form this nitrogen gas. Therefore, this nitrogen gas is also known as molecule. इसे क्या बोला जाता है? Molecule बोला जाता है. तो देखो, आज की क्लास में हमने एक बहुत important बात जानी है, that what is the difference between atom and molecule. आ गई ना बात समझ में? एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में आ गया ना? तो व्हेन एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सिंगल एटॉमिक स्टेट देन इट इज एटम, एंड व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर देन दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल. इज इट ओके? क्या और भी कोई मॉलिक्यूल होता है? बिल्कुल, और भी कोई मॉलिक्यूल होता है. इन दोनों ही जगह पर आपने देखा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही कंबाइन हो रहा है, मतलब दो सिमिलर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ही कंबाइन हो रहा है, मतलब दोबारा से सिमिलर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं. इज इट ओके? तो जब सिमिलर एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं इनको बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. क्या बोला जाता है इनको? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं. इज इट ओके? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है ये नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, पर हमें एक और मॉलिक्यूल पढ़ना है, एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. और उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड पढ़ूंगी, ठीक है ना? तो नोट इट डाउन. हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा. और नोट डाउन करने के बाद में ये तो हमने देखा कि सिमिलर एटम्स कंबाइन हो रहे थे. अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं. होते हैं ना डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन. देखिए, बात ऐसी है कि ये सब हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जस्ट सिंपली वी आर रिवाइजिंग हेयर. इज इट ओके? तो देखिएगा ध्यान से, अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो देन व्हाट वुड हैपन. अगर डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी विल गेट द अगेन मॉलिक्यूल, बट नाउ इन दिस केस वी विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. हमें किसका मॉलिक्यूल मिलेगा इस केस में? इस केस में हमें मिलेगा मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा ध्यान से, अगर इस तरीके से ये हाइड्रोजन के टू एटम्स ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन हो जाएं, तो इन दैट कंडीशन वी विल गेट दिस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ये H2O, ये किसका मॉलिक्यूल है? ये है वाटर का मॉलिक्यूल. सिमिलरली, अगर कार्बन का मॉलिक्यूल इस तरीके से ऑक्सीजन के टू एटम्स के साथ में कंबाइन हो जाए, इन दैट कंडीशन वी विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इज इट ओके? सो आपने देखा कि पहले वाले केस में जो मॉलिक्यूल मिल रहे थे वो सिमिलर एटम के कॉम्बिनेशन से मिल रहे थे, राइट? तो व्हेन सिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर, इन दैट केस वी विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. एंड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, देन वी विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. सो दिस वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड एज two different atoms are here. Again, this carbon dioxide is a molecule of a compound as two different atoms combined here. Is it okay? आ गई बात समझ में? तो whatever is there on the board, note it down. और इसके बाद में हम एक postulate और पढ़ेंगे Dalton's atomic theory का, okay? तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा. और नोट डाउन करने के बाद में हमें फोर्थ पोस्टुलेट, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, इसे बार बार पढ़ें, बार बार याद रखें, इसके एग्जांपल्स रीड करें, तो फाइनली इन दी एंड आपको लर्न हो ही जाएगा, ओके? तो ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़े एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इज इट ओके? तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ही एक पोस्टुलेट और पढ़ना है. देखिएगा ध्यान से, जो पोस्टुलेट हमको पढ़ना है वो क्या है? दिस इज फिफ्थ पोस्टुलेट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिफरेंट एटम्स
एटम्स, डिफरेंट एटम्स का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट एटम का मतलब जैसे एक हाइड्रोजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, एक कार्बन का एटम, या फिर किसी भी दूसरे अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को आप डिफरेंट एटम्स बोल सकते हैं. दैट मीन्स डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. इज इट ओके? डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज, मे कंबाइन इन, मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. शायद आपको समझ में आया हो, और ना आया हो तो चलिए समझते हैं. शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्टुलेट को समझने की कि आखिर ये इस पोस्टुलेट के थ्रू कहना क्या चाहते हैं, है ना? ये भी तो हमारा ही काम है इसको समझना. तो चलिए समझते हैं, देखिएगा ध्यान से. अकॉर्डिंग टू दिस फिफ्थ पोस्टुलेट, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो जैसा कि मैंने बता दिया कि एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, ऐसे, है ना, मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशोज. रेशोज अलग अलग हो सकते हैं. जरा एग्जाम्पल देखिएगा. हम यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर करने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो एक तरीका तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था इनके कॉम्बिनेशन का, जहां पर फॉर्मूला आपको मिलता है H2O, और इस H2O में टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन्स विद द वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म दिस H2O. क्या मिल जाता है आपको? H2O मिल जाता है. मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर रेशो क्या है? 2:1. तो हमें कंपाउंड कौन सा मिल रहा है? H2O. और क्या नाम है इस H2O का? H2O का नाम है वाटर. और अगर इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का रेशो बदल जाए, है ना, रेशो बदल जाए, जैसे देखिए मैंने बोला कि H2O2 इस रेशो में अगर ये कंबाइन हो जाएं, तो यहाँ पर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. इज इट ओके? मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशो क्या है? 2:2. आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके 1:1 भी लिख सकते हो. बट दिस इज नॉट वाटर नाउ, ये पानी का फॉर्मूला नहीं रहा. अब इस फॉर्मूले, इस कंपाउंड का नाम बदल चुका है, और जो नाम अब इसका हो चुका है, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. क्या नाम बन चुका है अब इसका? इसका नाम बन चुका है हाइड्रोजन परऑक्साइड. ये हमने एक एग्जाम्पल देखा. मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बताने जा रही हूँ, सुनिएगा उसे भी ध्यान से. नाउ द इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल द एलिमेंट विच वी विल यूज आर कार्बन एंड ऑक्सीजन. कौन से एलिमेंट हम काम में लेने जा रहे हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का देखिए एक कॉम्बिनेशन जो हम बार बार काफ़ी टाइम से रिवाइज कर रहे हैं, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, इन विच द रेशो बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 1:2, एज वन एटम ऑफ कार्बन इज गोइंग टू कंबाइन विद टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. एंड हेयर दिस कार्बन डाइऑक्साइड नाम तो जैसा कि मैं बार बार बोल ही रही हूँ, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस. येस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज डेफिनेटली यूज्ड बाय ऑल द प्लांट्स. इज इट ओके? बट व्हेन कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन दिस वे, इज इट ओके, दिस इज 1:1. वन एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद द वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, देन इज दिस ऑल्सो नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड? नो, दिस इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड नाउ, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड. इसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? देखिए रेशो बदलते ही नाम बदल गया और काम भी बदल गया. आपको पता है क्या, ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक डेडली पॉइजनस गैस है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट पॉल्यूटेंट फॉर द एयर,
इज इट ओके? एयर में तो ये थोड़ी सी भी ना हो तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ी सी आ जाए तो इट एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट ओनली, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर आ जाए कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये आपके हीमोग्लोबिन को ही बदल डालती है, ये आपके हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज कर देती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई इमीडिएटली बंद हो जाती है. तो दिस इज़ अ वेरी पॉइजनस पॉल्यूटेंट ऑफ द एयर. क्या ये भी पॉल्यूटेंट है? आज तक हमने, हमारी साइंस ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट नहीं माना है बिकॉज इट इज़ यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट नहीं बोलना है, इज इट ओके? वो तो बात ऐसी है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होती जा रही है बिकॉज ऑफ विच ग्लोबल वार्मिंग इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हम एक तरफ पेड़ काटते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, अदरवाइज इट कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट. आ गई बात समझ में? आप पेड़ लगा दो, सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये पॉल्यूशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो रही है वो खत्म हो जाएगी. बट दिस इज अ वेरी डेडली पॉइजनस पॉल्यूटेंट ऑफ द एयर. खैर, कौन पॉल्यूटेंट है और कौन नहीं, फिलहाल हमें ये नहीं जानना था, हमें तो ये पॉस्टुलेट जानना था विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. तो लेट्स रीड इट अगेन. लुक हियर, अकॉर्डिंग टू दिस, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशोज टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, इज इट ओके? तो आपने यहाँ पर देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही यहाँ पर प्रेजेंट है और वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, पर यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है दिस इज वाटर, वेरी यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, देयर इज नो रोल ऑफ ऑफ दिस कंपाउंड इन द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, इज इट ओके? इन द सेम वे दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन मे कंबाइन इन दिस वे टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वेयर as when this carbon combines with this oxygen in this ratio, then carbon monoxide is produced, which is only and only a type of air pollutant. So note it down, this postulate and all the examples, okay? तो आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे. अब इसको नोट डाउन करने के साथ साथ जो हमारे पॉस्टुलेट्स हैं डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, दे आर डन, कंप्लीट कर चुके हैं हम इन पॉस्टुलेट्स को, और अब हमें आगे क्या पढ़ना है सुनते जाइएगा. दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, तो ईच एंड एवरी थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप हर बात को. तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ने हमें एटम्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया है कि आखिर एटम्स क्या होते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं. तो चलिए एटम के बारे में ही थोड़ा और जानते हैं, चैप्टर का नाम ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, तो देयर इज़ अ लॉट टू नो मोर अबाउट द एटम्स. तो हम एटम्स की डेफिनेशन लिख लें, अब इतना कुछ जानने के बाद में डेफिनेशन लिख लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम ही है ना? यस, एटम ही है, इज इट ओके? सबका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है. और इसके बाद में जो दूसरी बात है वो ये है, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर समटाइम्स और इट may be present in the form of molecules, in the form of molecules. ठीक है जी, तो शुरू करें इस काम को, आगे इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें. वैसे तो आ गई होगी आपको समझ में, फिर भी एक बार और समझ लेते हैं.
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर कोई सा भी ले लो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं H2, H2 पहचान गए ना आप देखते ही, H2 इज हाइड्रोजन गैस। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस, तो आप बता दोगे कि दिस हाइड्रोजन गैस इज मेड विद द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो इट्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम ऑफ हाइड्रोजन। सही बात है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउ यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बोला गया है आपसे कि आपके पास में क्या प्रेजेंट है, आपके पास में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपसे बोला गया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपने बोल दिया कार्बन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अनदर पार्टिकल इज ऑक्सीजन एटम। आ गई बात समझ में, इज इट ओके? तो यही इन्होंने बोला है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। कभी कभी तो ये एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कभी कभी कब, चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे बात अगर नियॉन की जाए, NE इज नियॉन, इज इट ओके? तो नियॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में इसकी एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, इज इट ओके? नियॉन हमारे नेचर में एटॉमिक स्टेट में ही अवेलेबल है। और भी कोई है क्या, ऐसे कुछ और भी एलिमेंट्स हैं? जैसे बात करी जाए अगर AR की, AR जानते हो क्या, AR इज आर्गन। अगर बात आर्गन की जाए तो आर्गन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटॉमिक स्टेट, इज इट ओके? ऑलवेज इन द नेचर, है ना? तो नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ऐसे चार एलिमेंट और हैं विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर इन देयर एटॉमिक स्टेट, इज इट ओके? पर अगर हम बाकी एटम्स की बात करें, जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, इन दैट केस दिस एटम ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर, इट इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड टू प्रोड्यूस दिस हाइड्रोजन गैस two atoms of hydrogen should be combined, is it okay? Similarly, this carbon, this oxygen cannot exist freely in the nature, so they has to combine in different ways. Like here one atom of carbon is going to combine with two atoms of oxygen for the formation of carbon dioxide. Similarly, this carbon, जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था, this carbon atom combines with one atom of oxygen to produce carbon monoxide molecule. Is it okay? तो कई बार ये एटम फ्रीली भी रह सकते हैं, कई बार ये एटम दूसरे एटम या सिमिलर एटम से कंबाइन होकर के भी नेचर में रह सकते हैं। रहें ये किसी भी तरीके से, एटॉमिक स्टेट में रहें या मॉलिक्यूलर स्टेट में रहें, पर इनको हमेशा किसी भी मैटर का क्या बोला जाता है, इनको हमेशा किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला जाता है, इज इट ओके? तो आप इन एग्जाम्पल को इस डेफिनेशन के साथ में नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, बात ऐसी हुई कि अभी तक डॉल्टन साइंटिस्ट की ही कहानी चल रही है। जितनी भी बातें आप पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर रिलेटेड विद द डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब जब बात डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की ही चल रही है, तो उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क था। और क्वेश्चन मार्क क्या था डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग? डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मार्क था कि आखिर इतने सारे ढेरों एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। जितने बार केमिस्ट्री में लिखना हो उतने बार इतना बड़ा सा नाम लिखा जाए हाइड्रोजन, बार बार लिखना लंबा हो जाता है, कभी हाइड्रोजन लिखना होता है तो कभी हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखना होता है। तो डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हमको इन एटम्स को रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? सिंबल्स प्रोवाइड करे।
तो चलिए देखते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच वर प्रोवाइडेड बाय द डॉल्टन साइंटिस्ट. और ऐसा केमिस्ट्री की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इन्होंने एलिमेंट के सिंबल दिए. अब सिंबल्स देखना कि इन्होंने कितने बढ़िया सिंबल्स दिए. हाइड्रोजन का सिंबल इन्होंने बोला कि ड्रॉ अ सर्कल एंड मेक अ डॉट इन द सेंटर. ये था हाइड्रोजन का सिंबल, है ना, पुराना वाला सिंबल. इज इट ओके? जब बात ऑक्सीजन की आई तो ऑक्सीजन का सिंबल इन्होंने बताया कि मेक अ सर्कल ओनली, एम्प्टी सर्कल. इज इट ओके? फिर बात धीरे धीरे और एक एक करके एलिमेंट की डिस्कवरी होती जा रही थी और ये जो साइंटिस्ट हैं वो उनके अलग अलग ड्रॉ करके सिंबल्स हमको प्रोवाइड कर रहे थे. फिर बात आई सल्फर पर, तो देखिएगा जरा ध्यान से, सल्फर का सिंबल दिया गया ऐसा, सर्कल बना दिया और सर्कल के अंदर बना दिया गया प्लस का साइन. फिर और एलिमेंट, तो और एलिमेंट में नेक्स्ट आया फॉस्फोरस. अब बड़े ध्यान से देखना कि फॉस्फोरस का सिंबल कैसे बनाया गया. फॉस्फोरस का सिंबल बनाया गया ऐसे, ये फॉस्फोरस का सिंबल. तो बढ़िया डिज़ाइनर सिंबल्स हैं, पर क्या पॉसिबल है इतने अलग अलग वैरायटी वाले 118 सिंबल्स को याद रख पाना, उन सब की ड्राइंग याद रख पाना सिंबॉलिक तरीके से? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल काम है. तो फिर ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को एक इजी ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया, और वो कैसे दिया गया वो सुनिएगा. देखिए ये जो नाम आपके सामने लिखे गए हैं एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये इन एलिमेंट्स के इंग्लिश नेम्स हैं. और इनके सिंबल्स को इजी करने के लिए इन्हीं सिंबल्स के जो नाम हैं इन्हीं के फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर्स को काम में लिया गया, ताकि इनके सिंबल्स को याद रखना हमारे लिए आसान काम हो जाए. तो हाइड्रोजन का सिंबल है ना, कोई आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, नो सर्कल नो डॉट, आपको सिर्फ इसका फर्स्ट लेटर यूज करना है, दैट इज कैपिटल एच. ओके? ऑक्सीजन का सिंबल कैपिटल ओ, सल्फर का सिंबल कैपिटल एस, फॉस्फोरस का सिंबल कैपिटल पी. अब आप कंफ्यूज मत होना कि हर बार सिंबल का फर्स्ट लेटर ही काम में लेना है क्या. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे अगर बात हीलियम की जाए तो हीलियम का सिंबल होता है कैपिटल एच. दोबारा लिख दें क्या? अगर हम दोबारा लिख देंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम में कंफ्यूजन हो जाएगा, ये भी एच और ये भी एच, तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा एच हाइड्रोजन का है और कौन सा एच हीलियम का. तो हीलियम के लिए लिखा गया सिंबल एच ई, मतलब फर्स्ट टू लेटर्स. जब हम फर्स्ट टू लेटर्स काम में लेते हैं तो एक बात और याद रखनी होती है कि फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होना चाहिए और सेकंड स्मॉल. ऐसे मत लिख देना हीलियम का सिंबल एच ई. इज इट ओके? ये गलत है, इस तरीके से नहीं लिखना होता है. ओके? आ गई बात समझ में? तो इन सिंबल्स को नोट डाउन कर लीजिए. इन सिंबल्स के बारे में हमें थोड़ा और भी जानना है, बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके? तो इसको नोट डाउन करेंगे आप, और बाकी सिंबल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. बाय एवरीवन.